नमस्कार, हाजिर हम सीधी बात के कार्यक्रम में। मैं हूं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक नया शख्स है, और ये शख्स नाला सुपारा में अप्पा के रूप में जाना जाता है, अप्पा के नाम के रूप में जाना जाता है। लेकिन हम जानेंगे इसकी कहानी क्या है, हम जानेंगे राजन नाइक की राजनीतिक अब तक की यात्रा कैसी रही, और राजन नाइक से अप्पा बनने की कहानी क्या है। हम ये भी जानेंगे कि आखिर नगर सेवक से MLA तक का चुनाव लड़ने वाले राजन नाइक की राजनीतिक यात्रा में कितनी समाज सेवाता रही है, और कितनी उस व्यक्तित्व के खिलाफ लड़ाई रही है, उसके विरुद्ध या उसके सामने कैसे खुद को विराजित कर पाए हैं। आज हम बातचीत करेंगे सीधी बात के कार्यक्रम में राजन नाइक से, और राजन नाइक की पूरी राजनीतिक यात्रा का छोटा सा क्लिप देखिए, और इस क्लिप में आप समझ जाएंगे कि राजन नाइक है कैसा। अप्पा बनने की थोड़ी कहानी आपको इसमें मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद सीधे हम बातचीत करेंगे उनसे, राजन नाइक से, आखिर राजन नाइक है क्या चीज, बस थोड़ी देर में। संघ से संगठन तक की यात्रा तय करने वाले नाला सोपारा के निवासी और नगर सेवक रह चुके इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री पद पर आश्रित थे राजन नाइक। राजन नाइक ने अपनी राजनीतिक पद यात्रा उस समय शुरू की थी जब उनकी जरूरत एक जन सेवक के रूप में जनता को थी। राजन नाइक ने कभी अपने आप को कभी घमंड या गुरूर में रखकर जनता के बीच में पेश नहीं किया। एक हसमुख और एक सुगम और सौम्य व्यवहार के नाते राजन नाइक हमेशा जनता के बीच में प्रिय बने रहे। लगातार जनता की आवाज को उठाना, लगातार जनता की आवाज पर उनके लिए खड़े रहना राजन नाइक का एक स्वभाव रहा है। राजन नाइक ने कभी भी अपनी जनसेवा में स्वार्थ की राजनीति नहीं की, बल्कि जनसेवा में जनसेवक बनकर राजनीति की ओर उसे आगे बढ़ाया। तभी तो उसका प्रतिफल ये रहा कि नाला सुपारा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रहे और 60,000 के आसपास के वोट पाकर ये उन्होंने साबित कर दिया कि आखिर वो प्रिय भी है। खैर, आगे देखना ये होगा कि किस प्रकार की इनकी यात्रा होगी। इस सीधी बात के कार्यक्रम में आइए हम मुलाकात करते हैं राजन नाइक से और बातचीत करते हैं उनके राजनीतिक सफर नामे पर। नमस्कार, हाजिर हम सीधी बात के कार्यक्रम में, मैं हूं सचिन दीक्षित। आपने थोड़ी देर पहले एक क्लिप देखा, और इस क्लिप में लगभग आप समझ चुके होंगे कि आखिर राजन नाइक का व्यक्तित्व है कैसा, और आखिर राजन नाइक है क्या। इस पूरी क्लिप में लगभग समझ चुके होंगे, आइए हम सीधे बातचीत करते हैं राजन नाइक के राजनीतिक पर, राजनीतिक विश्लेषण पर उनसे सीधे। आइए जी, नमस्कार। नमस्कार। होता क्या है राजन जी कि राजनीति में उतरने वाले लोग अक्सर पद, प्रतिष्ठा, लोभ, लालच, मंच, माला, तालियां, उनको ये सब मिल जाए तो राजनीति में उतरना अपना सफल मानते हैं, और समाज सेवा कहीं दूर चली जाती है। इस समय ऐसा चल भी रहा है पूरे देश में। जब आप राजनीति में उतरे तो उसके पीछे का कारण क्या था, सिर्फ यही मंच, माला, लोभ, लालच, तालियां, ये सब, या और कुछ? मैं जन्म से ही, मतलब जैसे मेरे को समझ आई, मैं 4-5 साल के था उम्र में, तभी हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शाखा लगती थी। उस शाखा में रोज जाने आने का, शाखा में भाग लेने का, शाखा का शिविर अटेंड करने का, वहाँ की शाखा का मुख्य शिक्षक तक मैंने जवाबदारी किया है। और 10वीं होने के बाद मैं जब भी कॉलेज ज्वाइन हुआ तो वर्तक कॉलेज में विद्यार्थी परिषद की गतिविधियाँ जय बंसोड़ नाम के एक कार्यकर्ता करते थे, तो उसके साथ मैं जुड़ा, और भारतीय विद्यार्थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं काम करना चालू किया। 84-85 में जब BCOM होने के बाद घर वालों की इच्छा थी मैं ज़्यादा आगे पढ़ूँ, मैंने CA का एग्ज़ाम भी, CA का इंटरनल वगैरह CA का कोशिश किया होने के लिए, लेकिन 1-1.5 साल में मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि यहाँ डेवलपमेंट चालू है, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह का धंधा हमारा जो फैमिली का था उसमें मैं ध्यान दे दूँ। मैं 87 से मेरा ट्रांसपोर्ट धंधा मैंने चालू किया, और उस पश्चात 94 में इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद देश में पूरे कांग्रेस की लहर थी। 2 ही सीट भारतीय जनता पार्टी के, एक आंध्र प्रदेश से और एक गुजरात से, 2 ही सीट भारतीय जनता पार्टी की आई थी। और 87 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की रचना होने के लगा, तो यहाँ के कैलाशवासी सुरेश जोशी नाम के एक कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप पार्टी के लिए संघ के स्वयंसेवक हो, ABP में काम करते हो, समाज में अच्छी आप पहचान है, पढ़े लिखे हो, तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का उन्होंने मेरे पहले ही वसई तालुका का अध्यक्ष मेरे को 87-88 में उन्होंने किया। और उसके बाद 89 का जो एक चुनाव लोकसभा का आया, उसने मैंने अच्छा हिस्सा किया। बाद में मैं वार्ड अध्यक्ष से लेके और जिला महामंत्री तक
अनेक पदों में काम किया, शहर अध्यक्ष लेके, शहर महामंत्री, शहर अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, युवा मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मैंने तय किया। ये मुझे मालूम नहीं था कि कभी कभी मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ू, ऐसा मेरे ख्वाब में भी नहीं था। एक पार्टी के नाते जिस विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं, हिंदुत्व के विचारधारा से हम जुड़े, उसके लिए काम करना, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइन किया था। मतलब आरएसएस से विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी परिषद से भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन किया। मेरे ख्वाब में कभी नहीं था कि मैं नगर सेवक जिंदगी में कभी बनूं। तो ऐसा एन एक्सीडेंटली पार्टी ने मुझे टिकट दिया, आग्रह किया चुनाव लड़ू। मैं नगर सेवक, दो बार नगर सेवक हुआ, गट नेता हुआ। उसके पहले जब मैं ग्रामीण में रहता था, नाला गांव में रहता था, पढ़ई में रहता था, तब मैंने पार्टी ने मुझे कहा कि आपको बोलिंग पंचायत समिति से लड़ना है। उस टाइम 1996 में मेरे को करीबन 2100 वोट उस टाइम मेरे को ग्रामीण भाग से मिले थे कि भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, मैं हारा था हालांकि चुनाव। उसके बाद जब 2004 में, जो 2003-04 में एक जिला परिषद का चुनाव था, उस टाइम जिला परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष बबन शेठ नाइक, उसके सामने, वो जो हमारे समाज के भी अध्यक्ष है, उसके सामने मैं चुनाव लड़ा। उस टाइम मेरे को 4700 तक वोट मिले थे और मैं 350-400 वोट से मैं हारा था। तो उसके बाद लोगों में मेरा नाम हुआ, लोग मेरे अच्छे सम्मान देने के लिए सम्मान दे रहे थे। मैं लोगों का जो मुझे समझता था, लोगों के सुख में दुख में भाग लेने का, कोई बीमार हो उसको जो हमारी तरफ से जो मदद होगा वो करने का, किसी के घर में जाने का, सत्यनारायण के कथा में जाने का, किसी का घर में दुखद घटना हुई वहाँ जाने का, किसी को हॉस्पिटल में बीमार पेशेंट है उसको डॉक्टर से मिलने का, उसकी क्या आवश्यकता है, किसी को ब्लड की आवश्यकता है, वो सब करते करने का, ये समाज सेवा का काम मेरा ज़्यादा, मैं उससे लिए इंटरेस्टेड हूँ। आपने एक सवाल में कई जवाब दे दिए, अगले प्रश्न करने में मुझे सोचना पड़ेगा। खैर, अगला सवाल, सवाल ये है कि राजन नाइक से अप्पा बनने की कहानी क्या है और क्यों अप्पा का नाम इस तरह से लोग लेते हैं जिसमें उनको लगता है कि समाज सेवा थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, बल्कि सबसे अधिक आता है कि उन लोगों से लड़ना जो बहुत दिनों से यहाँ पर व्याप्त है। या अप्पा क्यों, क्या यही कारण है कि आप लड़ाई, या उसके ऊपर, या उसके अलावा भी कुछ? लोग मुझे प्यार से अप्पा भी कहते हैं, मेरे से 10-15 साल 20 साल बड़े भी लोग मुझे अप्पा कहते हैं, हमारे समाज के और समाज के बाहर के भी, भारतीय जनता पार्टी परिवार के और अन्य पार्टी के भी लोग कहते हैं। मैं छोटे से बचपन में, मेरे जो छोटी बहनें थी उन्होंने मेरा अप्पा नाम करके, मैं बड़े भाइयों के नाते नाम सुना। बाद में गाँव के भी सभी लोग मुझे अप्पा के नाम से ही जानने लगे और समाज में जब भी मैं काम करने लगा, आज मैं सामवेदी ब्राह्मण समाज का भी अध्यक्ष हूँ, एक 20,000 का समाज यहाँ है। उस मेरे पहले जिला परिषद के अध्यक्ष बबन शेठ नाइक करके समाज के अध्यक्ष थे, आज मैं समाज का अध्यक्ष भी हूँ। मैं अनेक समाज के कार्यक्रम में पहले से ही भाग लेता चलाया हूँ और मैं लोगों से मेरा किसी कोई से दुश्मनी नहीं है। मैं सभी से प्यार से बात करना और मीठा बात करना मेरा एक स्वभाव है और मेरे स्वभाव से देख के, मेरे जिस तरह से मैं बात करता हूँ प्यार से, और मेरा चेहरे से, मेरा फेशियल रीडिंग, और मेरे घर में जो संस्कार हुए, मेरे संघ के संस्कार, मेरे भारतीय जनता पार्टी के संस्कार के तरफ से, लोग मुझे प्यार से अप्पा कहते हैं। ये कहानी तो समझ में आ गई, लेकिन क्या इस कहानी के पीछे हम ये माने कि वर्तमान यहाँ पर स्थापित राजनीति जो चल रही है, अभी एक बार आप चुनाव लड़े, उसमें हार का सामना करना पड़ा, भाजपा की लहर थी, फिर भी आप हार गए, क्या आपको लगता नहीं है भाजपा को बहुत उम्मीदें थी, एक हार का सामना करना पड़ा? दूसरा ये कि यहाँ पर जो वर्तमान राजनीति विराजित है उसके खिलाफ आप खड़े होने में नाकाम साबित हुए? ऐसा कुछ बात नहीं, वर्तमान जो राजनीति चलती थी, भारतीय जनता पार्टी 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, वहाँ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। उस गठबंधन में नालासोपारा कॉन्स्टिट्यूंसी है, कैलाशवासी चिंतवन वनगा जो आज स्वर्गवास हुए, उनको 1,04,000 वोट उस टाइम मिले थे। उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में आया, तभी गठबंधन लास्ट तक गठबंधन होएगा, और इसके पहले आज तक 2009 तक ये सीट शिवसेना ही लड़ती थी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये सीट लड़ी नहीं थी। तो 27 अक्टूबर को फॉर्म भरना था, 25 अक्टूबर में मेरे को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी खड़ा करने का प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया और 25 तारीख को मुझे बोला कि आपको ये चुनाव लड़ना है। आप दोष दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने दिन कम दिए आपको चुनाव लड़ने के, बल्कि बात यह है कि आपके राजनीतिक
जीवन यात्रा में अगर हम 97 से 87 से माने तो वहां से यहां तक कम 20-25 साल हो चुके हैं। उस 20-25 साल में आपने काम किए होंगे तो वोट मिलेंगे ना, तो 60,000 वोट मिले फिर भी ठीक था, तो हार का कारण हम कम समय क्यों दे रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी को कतई दोष दूंगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आज तक 5 बार सिंबल दिए। मैं मेरे को लोगों को मैं जाने के लिए दिन कम मिल गए, और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटने से शिवसेना का प्रत्याशी यहाँ जो हमेशा खड़ा रहता श्री चव्हाण, उनको 40,000 वोट और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते मुझे 60,000 वोट उस टाइम मिल गए थे। दोनों के वोट 1 लाख के आसपास है और सतीश को उससे थोड़ा ज़्यादा वोट मिल गए। मैं कम दिन इसलिए बोलता हूँ कि मैं लोगों मेरे को तैयारी करने में मेरा परिचय पत्रक लोगों में मेरा परिचय पत्रक आज भारतीय जनता पार्टी ये कॉन्स्टिट्यूंसी में करीबन 4.5 लाख वोट है, और 4.5 लाख वोटर को 10 दिन में अगर उनके पास पहुँचाना ये बहुत कठिन काम है। और यहाँ के सत्ताधारी जो है बहुजन विकास आघाड़ी जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा उस टाइम था, उनके नगर सेवक थे, उनके पास पूरी साधन सामग्री थी। मेरे को पूरी साधन सामग्री जुटाने में 3-4-5-6 दिन लग गए, मेरा पत्रक बनाने का, झंडा लाने का, बैनर बनाने का, तो मेरे को कम समय उस टाइम मिल गया था। उसका दोष मैं भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं दूंगा। एक कार्यकर्ता कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हमेशा ही सहयोग किया है, और आज मेरा जो नाम है मेरे को लोग पहचानते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाम से पहचानते हैं, उसके भारतीय जनता पार्टी का और हमारे पूरे नेता का श्रेय है। इस समय आपको लगता है कि वर्तमान विधायक नाला सुपारा युवा हैं, बहुजन विकास आघाड़ी के दल से वो यहाँ पर एमएलए हैं, क्या उन्होंने ठीक ढंग से काम किए जिस प्रकार से जनता की इच्छा थी, जनता की आकांक्षा थी, अपेक्षा थी? यहाँ के जो गत 10 साल से विधायक है श्री सतीश जी ठाकुर, उन्होंने जिस हिसाब से काम करना चाहिए था, लोगों की जो उम्मीद थी उस हिसाब से काम बिल्कुल किया नहीं। आज आप नाला सोपारा में देखेंगे या विरार में देखेंगे या पूरे वसई तालुका में महानगर पालिका में क्षेत्र में देखेंगे 50% से ज़्यादा आरक्षण में अनुकूलित बांधकाम हुआ है। आज यहाँ के बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, बूढ़ों के लिए घूमने के लिए गार्डन नहीं है, बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है। जहाँ तक हॉस्पिटल का मेडिकल का सवाल है, वहाँ आरोग्य का सवाल है, वहाँ पूरे नाला सोपारा ये 17 लाख लोगों के लिए सिर्फ 2 हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल जो ब्रिटिश जमाने में बनाया वसई में पेटिट हॉस्पिटल, और दूसरा नाला सोपारा ये महानगर पालिका ने में 2-3 साल के पहले बनाया, वो 35-40 करोड़ का बनाया। तो पूरे जो एक विधायक के रूप में जो काम करना चाहिए था यहाँ के जो विधायकों ने वो काम बिल्कुल किया नहीं, मैं उससे काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जहाँ तक पानी का सवाल है, आज गत 30 साल से इनके जो चुनाव सभी हो गए वो पानी के मुद्दे पे हो गए। गत 2015 का जो नगर पालिका महानगर पालिका चुनाव गया उसमें भी उस महापौर के जो उम्मीदवार उन्होंने दावा किया था कि मैं चुनने के बाद 90 दिन में हर घर में पानी लाऊंगा, वो गत 3-4 साल में पानी आज तक नहीं ले पाई। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र सरकार आदरणीय देवेंद्र जी और केंद्र में सरकार प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उन्होंने भरी निधि भरी फाइनेंशियल हेल्प महापालिकाओं को करने के बाद आज महापालिका को 100 MLD सूर्य का पानी आया है, और उसके तहत महापालिका अभी चुनाव का इंतजार कर रही है पानी देने के लिए। हम लोग इसलिए हमने परसों 2 तारीख को 2 दिसंबर को पानी परिषद लिया, और हम लोग आग्रह करेंगे कि तुरंत पानी का कनेक्शन जो मांगेगा उनको पानी का कनेक्शन तुरंत दिया जाए। चलो, समय समय पर आप आंदोलन करते हैं वो भी अच्छी बात है, पानी के इस आंदोलन के लिए आपको शुभकामनाएं। सवाल ये है कि क्षितिज ने इतने वर्षों तक 10 वर्ष हो चुके हैं काम, आपने बताया कि बहुत गिना दिया आपने, सड़कों का गिना दिया आपने, पार्कों का गिना दिया आपने, शिक्षा गिना दिया आपने, स्वास्थ्य गिना दिया, इस पर कितने आपके आंदोलन हुए, कितने प्रदर्शन हुए, कितने मोर्चे निकाले आप लोगों ने, और कितनी बार आपने अपनी सरकार से निवेदन किया, सांसद से या आपने अपने आगे केंद्र के या वर्तमान प्रदेश के मंत्रियों से आपने आग्रह किया हो कि ये काम हो जाना चाहिए, कभी आपने ऐसा कुछ किया? हमने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते, एक पदाधिकारी नाते महाराष्ट्र सरकार को जो जो काम यहाँ बाकी है उसके लिए हमने बिल्कुल इन्फॉर्म किया है, मंत्रालय में उसके लिए करस्पॉन्डेंस हमने किए हैं। यहाँ काम बाकी है जहाँ यहाँ जो सत्ताधारी थी जिसके पास महानगर पालिका है, जिसके पास 3 विधायक है, आरओबी रोड ओवर ब्रिज, ये जो नाला सोपारा का 1 रोड ओवर ब्रिज है रेलवे के ऊपर का, वो भी उस टाइम राम नाईक ने किया जी।
गत 30 साल में एक ही रोड ओवरब्रिज विरार का भी हुआ, वो भी उसके लिए 20 साल इंतजार करना पड़ा लोगों को, और वो भी हेवी व्हीकल के नहीं है, वो लाइट व्हीकल के लिए, जहां की ट्रैफिक की समस्या जैसी थी वैसी है। आज दिन ब दिन ट्रैफिक की समस्या बढ़ती है। आप नाला से ऊपर से ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए या विरार ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए कभी कभी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा रुकना पड़ता है। ये जो काम करना चाहिए था यहाँ के जो विधायक ने, और गत 5 साल उनका सांसद भी था, वो सांसद ने काम अच्छी तरह से नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से यहाँ सीएनजी का पेट्रोल पंप पे सीएनजी भी आ रहा है, और नजदीक के आने वाले 6-8 महीने में यहाँ घर घर में पाइपलाइन द्वारा गैस देने का भी नया प्रयोजन है। यहाँ जो पेट्रोलियम मंत्री है उन्होंने उसको मांग के पूरा भी किया है, हमारे जो कैलाशवासी सांसद उन्होंने जो इसका मांग किया था उसको पूरा भी किया है। क्या आने वाले समय में हम ये माने कि यहाँ पर विराजित जो शासन है बहुत वर्षों से उसको हिलाने में आप कामयाब होंगे? मुझे इस नालासोपारा क्षेत्र के नालासोपारा मतदाताओं के ऊपर पूरा विश्वास है कि 30 साल एक ही परिवार को उन्होंने मौका दिया, उनको परखा, उनका अनुभव लिया, जिस तरह से काम उन्होंने करना चाहिए था उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी महानगरपालिका में भी दिया, नगरपालिका में दिया और महानगरपालिका में दिया, 3-3 विधायक उनसे चुन के दिए, लेकिन लोगों को समाधान वो नहीं कर पाई। लोगों की अनेक समस्या थी, जैसी थी वैसी ही आज समस्या है। इसलिए लोग कहते मैं 30-31 साल से जो एक कार्यकर्ता के रूप में लोगों के लिए काम करता हूं, पार्टी भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूं, उसको देख के और उनका एंट्री इनकम मजिए कहते 30 साल में एक ही परिवार का सरकार है, एक ही परिवार के सांसद, एक ही परिवार के विधायक जो है, उन्होंने जो नहीं काम किया वो काम पूरा करने के लिए यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो मतदाता है, उनके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है कि वो मेरे को एक मौका जरूर देंगे। अच्छा, राजन नाईक ने ऐसे कौन कौन से काम किए नगर सरेवर रहते हुए, गढ़ नेता रहते हुए, जो जनता के हित के रहे हों और आपको लगता है कि हाँ वो काम ऐतिहासिक थे जो करके दिखाए? मैं जिस टाइम में नगर सेवक यहाँ था उस टाइम यहाँ की पूरी सत्ता वसई विकास आघाड़ी, बहुजन विकास आघाड़ी की थी, और महाराष्ट्र में और केंद्र में सरकार भी उनकी ही थी। एक गठनेता के नाते, एक नगर सेवक के नाते उनके जो गलतियां थी और उनको जो सुझाव देने का था, अच्छे काम के लिए सुझाव देने का था, काम मैंने किया। लोगों को पानी का कनेक्शन के लिए दिया, उस टाइम नगर सेवक करके मैंने 65 कनेक्शन मेरे वार्ड में पानी के लिए दिए, और जो सड़कें निर्माण के लिए यहाँ करस्पॉन्डेंस करने का काम जो था, और जब भी आवश्यकता है तभी आंदोलन करने का काम था, मैंने किया। समय समय पर किया। क्या भाजपा ने, अब एक सवाल सेकंड लास्ट है, क्या भाजपा ने उस तरीके से अपने जमीन को मजबूत रखा है जैसे आने वाले समय में कि वो चुनाव विधानसभा के बहुत नज़दीक हैं, लोकसभा के चुनाव आने ही वाले हैं, इन सब चीज़ों पे भाजपा को फायदा हुआ? क्या काम किए धरातल पर किए हैं तो कौन कौन से? भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जो काम किए हैं, अच्छी योजना लाई है, वो लोगों तक पहुँचाने का काम हमने किया है, और उस योजना के तहत लोगों को लाभार्थी की संख्या अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे मात्रा में लाभार्थी की संख्या है। नोटबंदी के साथ नोटबंदी का यहाँ किसी के ऊपर बिल्कुल असर नहीं होगा, लोग पूरे समाधान थे नोटबंदी के ऊपर। पर यहाँ के व्यापारियों से जब बात करो, देश के कई हिस्सों में आप चले जाइए, मैं नाला सुपारा छोड़ देता हूँ, आप देश में कहीं भी चले जाइए और व्यापारी से अंदर से पूछे, शालीनता से पूछे, तो कहता है व्यापारी मर चुका है, परेशान है मीडियम क्लास का। क्या आपको लगता नहीं है इससे देश के इकोनॉमिक पर और खासकर उन व्यापारियों की रोजी रोटी पर प्रहार हुआ था उस बार, और वो प्रहार जारी है अभी तक? नोटबंदी के बाद जहां जहां सब चुनाव हो गए हैं वहां चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हुई है। मुंबई महापालिका देखो, महाराष्ट्र में करीबन 13-14 महानगर पालिका देखो, पूरे महापालिका में, पूरे जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है। देश में भी कई जगह में ज्यादा से ज्यादा आज 22 स्टेट भारतीय जनता पार्टी की है, उससे लोग नोटबंदी के ऊपर बिल्कुल नाराज नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की शासन आएगी। अगला सवाल मेरा आपसे, क्या लगता है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, क्योंकि मैं शिवसेना को विपक्ष में रख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पेट्रोल पंप पे चले जाइए उसके बाहर बोर्ड लगा रहता है अच्छे दिन कहाँ हैं, ये शिवसेना आपसे सवाल करती है। सवाल यहाँ पर ये है कि आज आपका पक्ष वाला भी आपके विपक्ष की तरह काम करता है, पहली बात,
कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ रही है प्रदेश के अंदर, उस तरह से लग रहा है कि आने वाले समय में वो आ सकती है, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। लेकिन इन सब बातों पे सवाल ये है कि आपके साथ रहने वाला व्यक्ति भी आज आपके विपक्ष में, तो कहीं लगता नहीं है भाजपा का धरातल खिसक चुका है? मुझे पूरा हमारे नेताओं के विश्वास है, हमारे नेता जो निर्णय लेंगे शिवसेना का गठबंधन का वो अच्छा ही रहेगा। और मुझे सबसे ज्यादा मतदाताओं को विश्वास है, जो आदरणीय देवेंद्र जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अच्छे काम किए हैं, कल ही जो एक निर्णय हुआ मराठा आरक्षण का, 16% आरक्षण मराठा समाज को दिया, और अनेक अनेक निर्णय मोदी जी ने और आदरणीय देवेंद्र जी ने लिए है, उसका लाभ उठाते हुए कि 50% से ज्यादा मतदाता भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे और एब्सोल्यूट मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी की ही इस महाराष्ट्र में और केंद्र में, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का सरकार निश्चित रूप से आएगा। लोग पूरे समाधान है, जहां तक मैं लोगों से जुड़ा हूं, व्यापारियों से जुड़ा हूं, मैं घूमने वाला आदमी हूं, मैं ऑफिस में एसी कमरे में बैठने वाला आदमी नहीं हूं, मैं लोगों से जुड़ा हुआ आदमी हूं। सामान्य से लेकर रोड पर रहने वाले मेरे भाइयों से लेके महल में रहने वाले तक मेरा सबका व्यक्तिगत तौर पर रिलेशन है। सब लोग समाधानी है, मीडिया के माध्यम से थोड़ा बहुत कुछ आता है, लेकिन जहां तक जनता का सवाल है वो 100% लोग समाधान है, और उसका रिजल्ट आपको आने वाले चुनाव में दिखेगा। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, उम्मीदों भरा सवाल है, उत्तर तरह सा उम्मीदों भरे आए तो ठीक रहेगा। राजन नाईक आखिर क्या करना चाहते हैं इस क्षेत्र के लिए? अगर बन जाते हैं अंदर तो उनका एक सपना होगा ना कि आई हैव टू डू दिस, मुझे अपने जनता के लिए ये करके दिखाना है, उसमें क्या पॉइंट है जो आप करके दिखाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि 2019 में यहाँ का आमदार भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, यहाँ का विधायक भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे देती है और मुझे विधायक होने का अगर मौका मिलता है, तो यहाँ की जो नागरिक समस्या है, समस्या पानी की है, समस्या शैक्षणिक की है, समस्या हॉस्पिटल की है, यहाँ एक विरार में रूरल हॉस्पिटल है, गत 30-40 साल से हॉस्पिटल की जैसे की तैसे, उसके लिए कुछ नहीं किया। यहाँ ट्रैफिक की समस्या है, आरओबी रोड और ब्रिज वो समस्या है, यहाँ की जो वसई में इंडस्ट्रियल इस्टेट है वहाँ के लोगों की जो समस्या है, वो समस्या हर संभव हल करने का मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते, अगर मौका मिले तो विधायक के नाते मैं हर संभव कोशिश करूंगा और लोगों को समाधान देने का मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। टिकट नहीं मिली तो बगावत? बिल्कुल नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बाद में हूं, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, बाद में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, बगावत मेरे खून में नहीं है। मैं जो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार अगर देते हैं उसके लिए कमल के लिए मैं काम करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मैं काम करूंगा, बगावत मेरे खून में नहीं है। लगभग सारी बातें हुई और सारी बातों में एक बात तो स्पष्ट हो गई, राजन नाईक ने जिस प्रकार से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और जहाँ तक की यात्रा सफर जो तय किया उसमें संघ की विचारधारा को लेकर अधिकतर चले हैं और संघ की विचारधारा को लेकर भाजपा में विराजित हैं। लेकिन बात यह है कि अगर ऐसे व्यक्ति को अगर व्यक्तित्व बनने में जमीन से काम करते करते यहाँ तक का सफर तय किया तो अगर उसको अवसर मिलेगा MLA बनने का या आमदार बनने का, तो हो सकता है कि वो जमीन में ऐसे काम करके दिखाए जिसकी नाला सुपारा के लोगों को जरूरत है। खैर आगे देखेंगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। मैं सचिन दीक्षित आज विदा लेता हूं, धन्यवाद।